नमस्कार, मैं हूं सौम्या राठी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बिहार पंचायत चुनाव में एक के बाद एक फर्जीवाड़ों का खुलासा हो रहा है। एक के बाद एक फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में एक मामला गोपालगंज से सामने आया था, जहां फर्जी वोटर आईडी कार्ड की मदद से करीब 500 लोग मतदान करने पहुंच गए थे। तो वही ताजा मामला अररिया जिले से सामने आया है, जहां लोगों को बिना नामांकन कराए पंचायत समिति के सदस्य पद के लिए प्रत्याशी बना दिया गया है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, बिना नामांकन कराए लोग जो है प्रत्याशी बना दिए जा रहे हैं। और जिस शख्स को प्रत्याशी ऐसे बिना नामांकन के बनाया गया है, उन्होंने अपने इस नामांकन को रद्द करने की मांग भी सामने रख दी है। पूरी खबर क्या है आपको आगे विस्तार में बताते हैं। बिहार पंचायत चुनाव जैसे जैसे अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे चुनाव में गड़बड़ी और फर्जीवाड़े की खबरें सामने आ रही है। बीते दिनों छठे चरण के दौरान गोपालगंज में फर्जी वोटर आईडी कार्ड से मतदान करवाने के मामले का खुलासा हुआ था। अब एक बार फिर से बिहार के अररिया जिले के जोकीहाट प्रखंड में फर्जीवाड़े की बात सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार जोकीहाट प्रखंड के प्रसादपुर पंचायत के क्षेत्र संख्या 24 में फर्जी नामांकन कराने का मामला सामने आया है। यहां एक महिला को बिना नामांकन के ही पंचायत समिति सदस्य पद के लिए प्रत्याशी बना दिया गया है। दरअसल जोकीहाट में 10वें चरण यानी कि 8 दिसंबर को चुनाव होने वाला है। इसी बीच प्रसादपुर पंचायत के क्षेत्र संख्या 24 से मोहम्मद मनान की पत्नी खालदा परवीन को पंचायत समिति सदस्य पद का उम्मीदवार बताया जाने लगा है। हालांकि खालदा परवीन का कहना है कि उन्होंने किसी भी पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया था। आवेदन ऑनलाइन होते ही जैसे ही उनको अपनी उम्मीदवारी की जानकारी मिली, उन्होंने जोकीहाट बीडीओ को इसकी जानकारी भी दी है। बता दें कि खालदा परवीन अपने पति के साथ प्रखंड कार्यालय पहुंची और उन्होंने निर्वाचन पदाधिकारी को नामांकन पत्र को फर्जी बताते हुए रद्द करने की बात कही। उन्होंने लिखित आवेदन में यह भी लिखा है कि किसी शरारती तत्व ने कहीं से फोटो निकालकर फर्जी रसीद कटवाकर बिना उनके अनुमति के नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और इसे तत्काल रद्द करने की मांग भी की है। इस पूरे मामले को लेकर निर्वाची पदाधिकारी ने कहा है कि हम लोग मामले की जांच कर रहे हैं, जरूरत पड़ी तो आवेदन का फॉरेंसिक भी कराया जाएगा। तो वहीं डीएम प्रशांत कुमार सीएच ने बताया है कि अभी इस तरह का मामला उनकी जानकारी में नहीं आया है। जोकीहाट बीडीओ से इस संबंध में जानकारी ली जा रही है और जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई करने की बातें इस वक्त की जा रही है। बताते चले कि जैसे जैसे पंचायत चुनाव अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहा है, फर्जीवाड़े के जो मामले हैं वो सामने तेजी से आ रहे हैं। गोपालगंज में भी जो खुलासा हुआ था उसके बारे में भी हम आपको पहले खबरें सुना चुके हैं और ये ताजा मामला अररिया जिले से सामने आया है, जहां बिना नामांकन के ही लोग प्रत्याशी बन रहे हैं। और इसकी भनक उन लोगों को ही नहीं है जैसा कि इस मामले में हुआ है। और महिला जिन्हें प्रत्याशी बना दिया गया है सदस्य समिति के लिए, उन्होंने इससे अपने नामांकन को रद्द करने की भी मांग की है। लिखित में उन्होंने आवेदन भी दे दिया है और उन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि किसी ने शरारत की है और उनकी तस्वीर निकालकर फर्जी नामांकन कर दिया गया है। मामले में अब जांच की जा रही है और अगर जरूरत पड़ी तो जो नामांकन पत्र है उसका फॉरेंसिक स्कैन भी कराया जाएगा और मामले में आगे जांच पड़ताल भी होने वाली है। आप तमाम वीडियोस के लिए लाइव सीरीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सीरीज के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।